सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो सभी का मेरे से न्यू डे और न्यू व्लॉग में स्वागत है। और अब तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और जैसे कि मेरी मॉर्निंग की जो मैं शुरुआत करती हूँ ना, पहले तो मैं वो कर देती हूँ, तो घर को भी देख रहे थे। जब तक यू गर्म पानी नहीं मिलता है या तो मैं नहीं पीती हूँ ना, तब तक ऑब्वियसली मेरी नींद खुलती ही नहीं है। सो फिलहाल अभी बता दूँ ना, तो आज मैंने जिम नहीं गई हूँ, मतलब उसके दो रीज़न हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, मतलब आगे बताती हूँ कि क्या वो दो रीज़न हैं क्यों मैं आज जिम में नहीं गई हूँ। सो फिलहाल मैं पी लेती हूँ, ब्रेकफास्ट तो सब कर लेती हूँ एंड देन रेडी भी होना है। सो लेट्स गो। वेलकम बैक। जैसे कि ना मैंने आपको बताया था कि वो दो काम क्या है जिसकी वजह से ना मैंने जिम को स्किप किया, तो वो ये है। तो सेक्शंस के बाद यू नो हम लोग बच्चों को फिटनेस भी कराते हैं, तो फिर अभी मैंने सोचा है कि इस चार्ट के अंदर जो मैं फिटनेस लिख दूंगी और वहाँ पे ना लगा दूंगी, तो उन लोगों को भी इजी रहेगा, यू नो बार बार पूछने के लिए भी ना आना पड़े। सो उन लोगों के लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा कि मैं उन लोगों को अच्छी तरीके से सब कुछ यू नो हैंडल कर पाऊँ और एक यू नो डिसिप्लिन भी बनी रहे। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मतलब बच्चों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे उसके लिए, एक और चेंजेस यू नो मैं कर रही हूँ। तो प्लेयर ऑफ द मंथ, बिकॉज हमारी बेंच में एडवांस बेंच और इंटरमीडिएट की बेंच है ना, उसमें ये ऐसा होता है कि प्लेयर ऑफ द वीक और प्लेयर ऑफ द यू नो मंथ यू नो हमारे कोचेस डिसाइड करते हैं कि किसको मिलेगा। सो तो यही चीज़ यू नो मैं उन लोगों के साथ भी नो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर उस चीज़ के लिए ना और भी ज़्यादा यू नो मेहनत करने का मन होता है, नेचुरली मेहनत करने का बहुत मन हो जाता है। बिकॉज वो प्लेयर ऑफ द वीक प्लेयर ऑफ द मंथ जो मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा अच्छी वाली फीलिंग होती है। सो यही चीज़ अब मैं इन लोगों पर नो ट्राई करना चाहती हूँ, सो वो लोग भी नो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ यू नो ज़्यादा मेहनत करें। सो अभी मैं प्लेयर ऑफ द वीक भी, सो जो भी प्लेयर रेगुलर होगा सबसे अच्छा यू नो परफॉर्मेंस करता होगा, मतलब जो ध्यान से करता होगा, जिसका फोकस होगा फिटनेस में, ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट यू नो डिसिप्लिन में होगा, सो उन लोग उनको मैं देने वाली हूँ प्लेयर ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से यू नो ये बात शेयर की है, तो ये अप्रूवल मुझे अभी भी यू नो आगे से लेना बाकी है और होप्स हो कि वो मुझे मिल जाएगा। और लेट्स गो। तो फिलहाल अभी मैं जल्दी से यू नो इसको चार्ट को रेडी करना है, बिकॉज अभी मुझे लेके भी जाना है आज, तो वो लोग भी शायद सरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये सोचा भी होगा, किसी के दिमाग में होगा भी नहीं। सो अचानक से यू नो मैं लेके जा रही हूँ, सरप्राइज तो हो गई सब लोग। सो लेट्स गो। फिलहाल अभी मैं जल्दी से करती हूँ, खाना भी खाना है, रेडी भी होना है, फिर मुझे निकलना भी है। सो जल्दी से। सो यू नो ये उनका शेड्यूल रेडी हो गया है, मंथ का है, लेट्स सी। और होपफुली उन लोगों के गेम के इसे बहुत ही ज़्यादा यू नो होने वाला है, इस एक्सरसाइज से ना उनकी गेम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। दिखाती थी यहाँ की जो पनिशमेंट होती है ना वो कैसी होती है, इन सबको ना पनिशमेंट मिली है नवली। व्हाट मत पूछ, मैं पूछती हूँ। देखो अगर एक बकरी पाकिस्तान का पानी पिए और इंडिया का घास खाए तो दूध वो किसको देगा? क्वेश्चन का
किसको? बस कर, चलो, थैंक यू। तो आज के मेरे श्लोक को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं मेरे अभी नेक्स्ट व्लॉग पे। एंड आई रियली होप गाइस कि नो आपको मेरा व्लॉग यू नो पसंद आ रहे होंगे। सो अगर पसंद आ रहे तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, तो ना मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले यू नो और भी अच्छे तरीके से मैं ब्लॉग बना पाऊँ। सो फिलहाल आज के मेरे श्लोक को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड डोंट ट्रबल एनीवन गाइस। तो बाय।